हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल तो लास्ट ब्लॉग जिसने भी देखा होगा उसमें मेरे साथ शिवांगी थी जो कि मेरी कज़न सिस्टर है एंड मैंने आप सभी को बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग मैं बताऊँगी कि शिवांगी नोएडा क्यों आई है तो मैं बता दूँ कि शिवांगी की इंगेजमेंट है एंड गेस वॉट शिवांगी का एंगेजमेंट मेकअप मैंने खुद किया था मतलब ये पहली बार है जब मैंने किसी का मेकअप किया हो इतने बड़े फंक्शन के लिए मुझे डर भी लग रहा था लेकिन शिवांगी ने बोला कि दी मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है एंड मुझे मेकअप आप से ही करवाना है जैसा भी होगा मुझे नहीं पता है तो थोड़ी सी हिम्मत आई एंड मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो है ना ये प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं है जस्ट मैंने ऐसे ही कैमरा रख दिया था और मैंने सोचा जो भी शूट हो पाएगा मैं कर लूँगी क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट आए थे तो प्रॉपर ट्यूटोरियल शूट करना पॉसिबल नहीं था एंड ये जो रेड साड़ी में है ये मेरी कज़न भाभी हैं मतलब कि मेरे थर्ड नंबर वाले चाचा की बहू हैं जिसने भी प्रिया को देखा होगा मेरे व्लॉग में तो प्रिया की भाभी हैं एंड ये जो लेमन कलर की साड़ी में बैठी हुई हैं वो मेरे सेकंड नंबर चाचा की सेकंड बहू हैं तो बहुत सारी यू नो फैमिली में लोग थे और इसी वजह से मैंने म्यूट कर दिया सच में अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करती ना तो आप ये वीडियो देख भी नहीं पाते इतना बैकग्राउंड में शोर हो रहा था बच्चे थे और सारी चीज़ें तो यही सब चल रहा था साथ के साथ बातें बातें हो रही थी और जैसा कि मैंने बोला कि मुझे डर भी लग रहा था बट मैंने सोचा कि ठीक है करते हैं अगर शिवांगी को इतना ट्रस्ट है शिवांगी ने बोला है कि नहीं दीदी मुझे इवन शिवांगी बोल रही है कि मेरी शादी का भी मेकअप आप ही करोगे दीदी मुझे और किसी से नहीं करवाना है सो आप लोग देख रहे होंगे स्टेप आप देखते जाइएगा कि क्या क्या है प्रोडक्ट वगैरह की डिटेल मैं उतना नहीं दे पाऊंगी और ये जो न्यूट कलर की साड़ी है मतलब क्रीम कलर जो भी आप समझ लो बेज कलर जो भी समझ लो ये मेरे सेकेंड नंबर चाचा की बेटी है सोनी तो मेरी सिस्टर है ये तो इस तरह से है मेकअप के प्रोडक्ट ज़्यादातर मैंने ना शुगर के यूज़ किए हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ किए थे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे एंड इन पे मुझे ट्रस्ट था तो मैं नए प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती थी एंड लेकिन अगर शादी का मैं मेकअप करूँगी तो मैंने सोचा है कि मैं पहले से ही प्रोडक्ट को ट्राई करती रहूँगी बहुत सारे फेस्टिव सीज़न आने वाले हैं तो मुझे मेकअप करना है ख़ुद पर तो मैं नए नए प्रोडक्ट ट्राई करूँगी जो भी ब्राइडल मेकअप के लिए सही होंगे और जो भी फिर मुझे अच्छा लगेगा मैं उनको ट्राई करूंगी लेकिन ये जो फाउंडेशन था बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन था शुगर का था मतलब ये टिका रह गया पूरे टाइम इतनी गर्मी इतनी ह्यूमिडिटी थी लेकिन फिर भी और मैंने हर स्टेप के बाद ना मेकअप फिक्सर मारा है ताकि मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो और स्वेट प्रूफ हो क्योंकि मुझे यही डर लग रहा था कि गर्मी होगी और मेकअप कहीं बह ना जाए कितना भी यू नो एसी वगैरह होता है बट जब जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे गर्मी होती ही है एंड ये मैंने एक क्रीम ब्लश पहले अप्लाई किया था उसके ऊपर से फिर मैंने पाउडर ब्लश uh, अप्लाई किया था एंड इसको मैंने लॉक कर दिया था एंड ये जो भाभी हैं हेयर स्टाइल इन्होंने बनाया था क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मुझे हेयर स्टाइल में कुछ भी नहीं पता है इवन मैं सोच रही हूँ कि मैं हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा सा सीख लूँ बाहर से कहीं से क्योंकि अगर शादी का मेकअप करना हुआ तो उसमें मुझे हेयर स्टाइल करना पड़ेगा तो अभी दो तीन महीने हैं दिसंबर में अट्ठाईस दिसंबर को आई थिंक इसकी शादी है तो और फिर तब तक तो मैं सीख लूँगी अगर चाहूँगी बाकी नहीं तो ये भाभी हैं ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बना लेती हैं तो ये तो रहेंगी ही वहाँ पे आ, नहीं तो मैं सीख लूँगी देखते हैं जैसा भी होगा क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा क्या है ना कि अभी फेस्टिव सीजन जैसे स्टार्ट हो जाएंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो उसमें टाइम निकालना मुश्किल होता है तो हम लोग यही डिस्कस वगैरह कर रहे थे और मेकअप फिर हो रहा था एंड लास्ट में मैं बताऊँ क्या हुआ है मेरे साथ ना हमेशा होता है अगर घर में कोई फंक्शन हो मैं रेडी नहीं हो पाती मैं मतलब मैं दूसरों को रेडी करने में लगी रहती हूँ और बाद में पता चलता है कि लेट हो रहा है लेट हो रहा है चलना है चलना है तो आज भी मेरे साथ यही हुआ मैं कुछ नहीं कर पाई और इवन लास्ट में जो लिपस्टिक वगैरह मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पर शिवांगी का शूट भी नहीं हो पाया था पता नहीं कैसे कैमरा बंद हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं या तो मैंने ही बंद किया होगा मैं ऑन करना भूल गई होगी बट स्क्रीन तो चल रही थी तो मुझे लगा कि वीडियो चल रही है तो ये प्रॉपर ट्यूटोरियल इसीलिए बोला नहीं है बट जितना भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि मेकअप कैसा किया है मैंने एंड ये जो पीछे ऑरेंज कलर की साड़ी में है ये मेरी थर्ड नंबर वाली आंटी हैं मतलब कि जो रेड साड़ी है उनकी सास है Вот ролик. अभी जिनसे मैं गले मिली ये मेरी मथुरा वाली आंटी हैं एंड इनको देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि कभी कभी ना खून के रिश्ते भी ज़िंदगी भर नहीं चल पाते बट कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बनाए हुए रिश्ते वो ज़िंदगी भर चल जाते हैं तो इनके साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता है दो में भाई का ट्रांसफ़र हुआ था मथुरा और किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू हम इनसे मिले थे और भाई ने इन्हीं के घर पर स्टे किया था लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे हमारा इतना अच्छा रिश्ता बन गया कि फैमिली की तरह है ये समझ लो ये आंटी ना मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानती हैं और मेरा भी इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है इवन हम जब भी मथुरा जाते हैं फैमिली ट्रिप जाती है सब लोग घूमने जाते हैं मैं बोलती हूँ आप लोग जाओ मैं आंटी के साथ रहूंगी मुझे इनके साथ बहुत अच्छा फील होता है और एक प्यार होता है ना दिखावे वाला बट इनका प्यार जो है ना वो रियल महसूस होता है वो चीज़ मैंने देखी है कि मतलब आंटी का जो हम लोगों से लगाव है वो बिल्कुल सच्चा है ऐसा फील होता है तो हमारा बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है और शिवांगी की शादी में भी आएंगी तो मैं व्लॉग जब बनाऊंगी तो शेयर करूंगी मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और मेरा भी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है तो बस यहीं तक शूट हो पाया था उसके बाद मोबाइल बंद हो गया था एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक गाइज़ तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा एंड वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना हालांकि मैंने यहाँ पर मोबाइल से लिया है तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दिख रही बट मेकअप बहुत सुंदर टर्न आउट हुआ था ठीक है एंड ये फुल लुक है आप देख सकते हैं सो so, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर